Assalamu alaikum. I hope you all doing well. This is me, Hunana, and welcome back to my channel. And those who are new, thank you so much for stopping by and watching my video. So today, as you guys know, I am going to create this Ikrazi's makeup, wedding makeup. This is an inspired makeup look. उसका मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा. वकार हैज़ डन हर मेकअप एंड आई लव इट बिकॉज वकार इज़ मैजिशियन एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट यू गाइस कैन सी. एंड दिस ज्वेलरी इज़ बाय एके कलेक्शन और ये बहुत मुश्किल है हैंडल करना बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो लव इतनी हैवी ज्वेलरी पहने. तो बस ये लुक क्रिएट किया है एंड दिस इज रियली ब्यूटिफुल. सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने अपनी सिर्फ आईब्रोज बना ली हैं, सिर्फ फिल आउट की हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया. इसके अलावा मैंने लेंसेज पहने हैं एंड जो लेंसेज मैंने पहने हैं वो हैं टेलर के सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं एंड द शेड इज़ हनी. इफ यू गाइस कैन सी, मेरे पास ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं थी जो इकरा ने पहने थे अपनी शादी पे, वो नहीं थे, तो इसलिए मैंने इट्स लाइक हनी कलर. सर्दियाँ हैं ना तो मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी. आई एम गोइंग टू यूज़ फिजियो जेल का मॉइस्चराइज़र. फोकस कर लो ब्रो. दिस इज़ द फिजियो जेल का मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ 24K रोज गोल्ड सीरम. अच्छा जी, ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लगा लिया. थोड़ा सा वार्म शेड में था ये, सही है. तो यू गाइस कैन सी द ग्लो कि किस तरह की ग्लो दे रहा है. इसके बाद आई एम गोइंग टू डॉट द फाउंडेशन. द ब्यूटी की जो फाउंडेशन है वो मैं डॉट कर रही हूँ और फिर वी विल बी ब्लेंडिंग इट आउट. जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो ग्लैम गर्ल्स का फाउंडेशन ब्रश है. आई लाइक इट, इट्स वेरी फ्लफी और बहुत सॉफ्ट है. नाउ आई एम टेकिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर और मैं अपनी फाउंडेशन को सेट करूँगी अच्छे से. ये कंसीलर लगाने के बाद, सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, इस तरह अगर आप डैम करते हैं, डैप करते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर को. डैम मीन्स आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट है. उससे क्या होता है, आपका फाउंडेशन, सेटिंग स्प्रे, कंसीलर, ये सब सेट हो जाएगा अच्छे से. आई मेकअप जो है बहुत सॉफ्ट सा हुआ हुआ है, एज यू गाइस कैन सी. तो मैं सबसे पहले ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, दिस वन. फ्लफी ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड राइट हियर, ये रहा. अब मैं इस वाले शेड और इस वाले शेड के साथ खेलूँगी. आई एम गोइंग टू प्ले विद देम. तो एंड ऑल्सो दिस वन, दिस लुक्स प्रिटी सिमिलर, दिस वन राइट हियर. तो बस लेट्स स्टार्ट. Thank you.
अच्छा अब मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, दिस वन राइट हियर। टेकिंग एनास्थासिया फाउंडेशन स्टिक एंड मैं ये फ्लैट ब्रश से अपनी क्रीज को बहुत सॉफ्टली कट करूँगी। दिस इज द स्टिक, दिस इज द ब्रश और टेकिंग निक्स का स्प्रे एंड दिस फ्लैट ब्रश। अब मैं इसको स्प्रे करूँगी एंड मैं दिस शेड राइट हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ टैप कर रही हूँ, दैट्स इट, आई एम डूइंग नथिंग एल्स। अब जहाँ कट क्रीज हुई है उसके साथ साथ मैं इसको लगाती जाऊँगी। थोड़ा सा लाइट शेड है, मैं इसको थोड़ा डार्क करने के लिए शेड फ्रॉम ज़ेफ़ाइट पैलेट ज़ीनथ का इसको थोड़ा सा वार्म करने के लिए लाइक दिस। अच्छा अब मैं जो हूँ अपने जो आउटर वी है उसको सिर्फ शेड कर रही हूँ ये छोटे से ब्रश की मदद से। नाउ मैं अपने वाइप्स ले रही हूँ और जो ये है सारा कुछ अंदर से क्लीन आउट कर दूंगी। एक्चुअली दो दो कैमरे लगे हुए ना तो दोनों को करना पड़ रहा है। इस तरह से मैंने ये लिया है, सही है। फाउंडेशन और किसकी फिक्र नहीं करनी बिकॉज अभी हमने सारा फॉल आउट रिमूव करना है इस तरह से, सही है। क्लीन हो गया, साफ सुथरा हमारा आई मेकअप लुक आ गया हमारे पास। अब ये वाला पार्ट इग्नोर, माई फेस अजीब लग रही हूँ मुझे पता है लेकिन है। फॉर लाइनर आई एम यूजिंग मसरत मिसबा का लाइनर एंड दिस इज सो गुड। Thank you.
liner mota kar diya. I'm so sorry. To blender to hota hai, khair insaan galti ho jati hai. Now I will do my under eye concealer. मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल्स की नो मेकअप पैलेट और इसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स विद डार्क शेड. तो मैं सबसे पहले करेक्ट करूँगी, देन आई विल हाईलाइट कंसील करूँगी. मतलब एक डार्क शेड से पहले हमेशा कंसील करना चाहिए ताकि वो एरिया आपका ब्लैक ना लगे, वो ग्रे ना लगे, सॉरी. तो मैंने इसको सारा हमारा कंसीलर था वो लगा लिया यहाँ पे with the help of again the damp beauty blender. Miss Rose, I'm using Miss Rose ka concealer in shade Ivory 6. मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सेट माई फाउंडेशन कंसीलर यूजिंग दिस हिमानी का कॉम्पैक्ट पाउडर. बेक नहीं कर रही मैं. यूज कर रही हूँ दिस बर्न्ड ऑरेंज, दिस शेड राइट हियर. जो हमने ये ज़ेफ़ाइट पैलेट से गोल्ड शेड लिया था मैं ये दोबारा ले रही हूँ और हल्का सा मैंने नीचे की तरफ लगा रही हूँ लाइक द लोअर लैश लाइन. सही है, बिल्कुल सॉफ्टली. अच्छा, इकरा की वाटर लाइन में हल्का पतला सा काजल है. आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन, बिल्कुल पतली सी लाइन के लिए. वो करने के लिए पता है क्या करते हैं, आपकी जो ऊपर वाली लैश लाइन है ना उसके ऊपर आप काजल लगा लो, नीचे वो थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगा. बहुत पतला सा लाइनर वो काजल हो जाएगा ये. अच्छा, फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मसरत मिज़वा का ड्रामा लैश मस्कारा और ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है. दिस वन राइट हियर, फोकस. ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है और नाम है इसका, मतलब लिटरली बस ये वाटरप्रूफ नहीं है. ये लैशेस लगाने से पहले आई एम डूइंग इट. अच्छा, मेरी जो है ना लोअर लैश लाइन पर जो लैशेस है ना वो बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है. आप देख रहे हैं जो मैंने काजल लगाया था उसकी बिल्कुल पतली सी लाइन ना नीचे भी आ रही है. दैट्स इट आई थिंक. जो इकरा की लैशेस थी वो थोड़ी सी लॉन्ग थी लेकिन बहुत कम कम थी. सही है, हाँ हो रहा है. ये लैश स्टाइल है तो मैं इसके ऊपर अभी ग्लू लगाऊंगी. विच ग्लू? दिस इज स्वीट टच, स्वीट टच लंदन का ग्लू है. सही है, बहुत ज़बरदस्त ग्लू है. लैश ग्लू लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर लाइक एट लीस्ट 20 सेकेंड्स. अभी आई जस्ट रियलाइज्ड वन मोर थिंग दैट एक कैट आई लुक भी है इस लुक में. सो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट टू. लैशेस लगाने के बाद आपने एक लाइनर का वो करना है ज़रूर, तो मैंने यहाँ कर दिया. Thank you.
फॉर कॉन्टोरिंग मैं सिर्फ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रॉन्जर. दिस आई एम टेकिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश. हल्का सा ब्रॉन्जर ही ले रही हूँ मैं, हल्का सा, बिल्कुल बहुत लाइट सा. एंड डूइंग ऑन माई नोज. नाउ आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर अगैन और मैं अपना जो कॉन्टोर, जो मैंने क्रीज ये जो ब्रॉन्ज किया है उसको थोड़ा सा कट करूँगी. वाई? बिकॉज इकरा का बहुत बहुत क्लियर कट है. सो आई एम जस्ट सॉफ्टली कटिंग इट फ्रॉम हियर लाइक दिस. फॉर ब्लश आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी 3D हाइलाइटर पैलेट. इसमें बेसिकली हाइलाइटर भी है तो मुझे वैसे भी ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये बहुत ही वार्म पिंक शेड है समझो. सो इट्स रियली नाइस. फॉर द लिपस्टिक सबसे पहले तो मैं अपना ये जो फाउंडेशन है लिप्स पे वो रिमूव करूँगी. दिस स्वीट टच लंडन की लिप पेंसिल कोकोआ है. 805 नंबर है इसका. इट्स ब्राउन एंड आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ लिप लाइनर फर्स्ट. और अब मैं यूज कर रही हूँ दिस शेड. इट्स बाय ऑल्सो स्वीट टच सेंशुअल लिप्स और इसका शेड है स्कैंडल मेकर. मेरे घर वाले बाहर बैठ के पेप्सी पी रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे दिल कर रहा है, लेकिन काम फर्स्ट. तो हमारा जो है लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. फिनिश करने के लिए मैंने इसका मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी. सही है. मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू वेयर माय ज्वेलरी सेट माय दुपट्टा एंड एवरीथिंग. मैंने जो अपने बालों को बस सिंपली मतलब पीछे जूड़ा बना लिया एंड अभी मैं बस सारी ज्वेलरी सेट करूँगी. द ज्वेलरी इज़ बाय एकी कलेक्शन. उन्होंने इस ज्वेलरी को स्पॉन्सर किया. थैंक यू सो मच यू गाइज. एंड द ज्वेलरी इज़ रियली ब्यूटीफुल. इयररिंग्स थोड़े से बड़े हैं, मतलब एग्जैक्ट उसके जैसी नहीं है बट काफ़ी प्यारी है एंड आई लव इट. ज्वेलरी मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी नहीं है बट उन्होंने काफ़ी सेम आर्टिकल भेजा है. सो आई रियली लाइक इट एंड आई लव इट. सो बस मैं चेंज करती हूँ एंड मैं आती हूँ. ऑल्सो दुपट्टा शुपट्टा सब कुछ बहुत ज़्यादा सेम नहीं है लेकिन आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर चीज़ मिक्स एंड मैच हो जाए. सो this is my final look and I have done my dupatta, my jura. मैंने बस बालों को पीछे tie किया है, जूड़ा किया है and dupatta लिया है. The dupatta is by my friend
क्योंकि मुझे कोई ऐसा दुपट्टा नहीं मिल रहा था और दुपट्टा बिल्कुल उससे मैच नहीं करा. प्लस आई नो दैट बट आई नीड रेड, तो रेड मिल गया मुझे. प्लस दिस ज्वेलरी इज़ बाई की कलेक्शन, आई लव इट. काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच करके बहुत मुश्किल से मुझे मिली है. उसकी जस्ट तो बिल्कुल ऑफकोर्स नहीं मिल सकती. दैट आर्टिकल इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इतना जल्दी मुझे अरेंज भी नहीं हो पाती. सो दैट्स इट. एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट. और ये लुक आप बताएगा कितना मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा. बिकॉज सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.